प्रिय साथी हूँ, CMPC YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत अभिनंदन। हम डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण की सीरीज के अंदर जो टॉपिक ले रहे थे उसके अंदर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और उसका जो समाकल गुणांक कैसे ज्ञात करते वो क्वेश्चन मैंने इसके जस्ट पीछे वाले लेक्चर के अंदर आप लिए थे। अब मैं ये चैप्टर क्योंकि पूरा हो रहा है तो इसके अंदर मैं MCQ टाइप के क्वेश्चन, इसके अंदर मैंने काफ़ी 25-30 क्वेश्चन लिए हैं और ये जो क्वेश्चन है सारे आपके एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके अलावा सेपरेशन मेथड से, चरों के पृथक्करण वाली विधि से, यानी सबके मिक्स इसके अंदर क्वेश्चन है। तो हम स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है, देखिए निम्न अवकल समीकरण के लिए समाकल गुणांक है। पहला जो इसने क्वेश्चन दिया है, इसने IF पूछा है इसका, तो इसके अंदर आपको पता होगा कि ये जो है किस फॉर्म में है, dy/cot(x, y=x) ये आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy/dx+py=q रूप में। तो ऐसे केस में आपके जो IF होता है वो क्या होता है, e power p dx इंटीग्रेशन। तो IF का फॉर्मूला ये होता है e power p dx इंटीग्रेशन, और यहाँ पर क्या आपके cot x हैं तो डायरेक्ट ही आप e power ∫cot(x dx) और cot x का इंटीग्रेशन क्या होता आपको पता होगा, log sin x। तो ये e power log sin x का मतलब क्या हो गया आपके, ये only sin x। तो ये आपके IF हो गया और इसके अंदर ये फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन है निम्न अवकल समीकरण के लिए समाकल गुणांक। देखिए ये भी आपके dv/dx+10xv=1v, ये भी आपके बिल्कुल लीनियर यानी रैखिक रूप में है और यहाँ p जो है आपके वो 10x है। तो आप IF जो निकालेंगे वो e power p dx, यानी कि e power p मतलब क्या हुआ 10x dx, और 10x का इंटीग्रेशन आपको पता होगा log sec x e की पावर में, तो log से e हटा और ये क्या आ गया sec x। तो इसके अंदर आंसर आ रहा है ये sec x। ठीक ऐसे ही अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने पहले ही लेक्चर के अंदर यानी दूसरे लेक्चर के अंदर में करा रखा है और इसका जो ऑप्शन है आप इसको इसके नीचे कर लें, dx के नीचे, इसको इसके नीचे कर लें, तो ये आपके क्या बन जाएगा, dx/1 x²-dy/1 y²=0, और इंटीग्रेशन करोगे तो tan inverse x - tan inverse y = constant। स्वेच्छा से कुछ भी ले सकते हैं, तो ये tan inverse में थे तो मैंने इसको भी tan inverse में डाल दिया। तो उस केस में आपको पता होगा मैं ये करा चुका हूँ आपको पहले, और इसलिए मैं इसको, वैसे तो आपके ये आंसर आ चुके हैं इसके अंदर, ये सेकेंड वाला आ गया है, ठीक है, लेकिन इसको आगे और सोल्व करते हैं। tan inverse x - y/1 x y = tan inverse c, तो फाइनली आंसर इसका जो आएगा 1 x y = c, ये इसका फाइनल आंसर आता है। देखिए जो फोर्थ क्वेश्चन है अवकल समीकरण 1 x², देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं, सीधी सीधी बात है, इसमें कहीं आपको अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। ये जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर इसने समाकल गुणांक यानी IF पूछा है, तो सीधा सा ये नज़र आ रहा है मैं इसको क्वेश्चन नंबर 4 में 1 x² से पूरे को डिवाइड करूं, तो देखो ये बन जाएगा dy/dx+2x/1 x²y = 4x²/1 x², ये मैंने पीछे करा रखा है। ध्यान से अगर देखो तो ये dy/dx+py = q बन गया, तो आपके इंटीग्रल फैक्टर जो बनेगा IF वो e power p dx मतलब 2x/1 x²dx, तो e पावर क्या हो जाएगा log 1 x², यानी कि फाइनली जो इसका आएगा वो क्या आ गया 1 x², ये आपके IF है। तो ये इसके अंदर, ये सेकेंड वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। मैं आपको बता दूं जो CBSE के अगर बुक पढ़ते हो तो ये 7.2 जो एक्सरसाइज है उसका ये पहला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको इसको हमेशा याद ही रख लेना चाहिए, हमेशा इसको आप
याद रख लें ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। देखिए पांचवा जो क्वेश्चन है ये है x प्लस वाई प्लस वन डी बाई डी एक्स इक्वल टू वन। तो आप इसको सीधा सा ऐसे लिखते हैं डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस वन। अब इसमें आपको क्या करना है, x प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू वी लेट करना और इसको y के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर देना। तो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस वन इक्वल टू डी वी बाई डी वाई हो जाएगा। तो इससे आपके डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू डी वी अपॉन डी वाई माइनस वन हो जाएगा। और ये वैल्यू ये इसके अंदर पुट करें हम तो ये क्या बन जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई की जगह अपन लिख देते हैं डी वी बाई डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस वन को हमने क्या लिया था, वी ले लिया था यहाँ पे। तो ये आपके बन जाएगा डी वी अपॉन डी वाई प्लस और माइनस वन वी इक्वल टू जीरो। वैसे ये डायरेक्ट आ रहा था लेकिन यहाँ इसने समाकलन गुणांक पूछा है आई एफ, इसलिए अपन इसको अब हमारे ये रेखीय बीजगणित, देखो ये वी वी आ गया तो ये लीनियर बन चुका। तो इसका जो आई एफ बनेगा वो आपके ई पावर पी डी वाई है ना। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस वन और डी वाई तो ई पावर माइनस वाई, ये इसका आंसर। तो इसमें देख लीजिए ये फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है अवकल समीकरण y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का हल है। ये आर एस प्री के अंदर पूछा हुआ है और आपके पास ये इसका चारों ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं, हमें खाली सेट करना होगा टर्म्स को। तो सेट हम कैसे करें, हम पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें सीधा सीधा। तो ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स ए वाई स्क्वायर ए डी वाई बाई डी एक्स, फिर मैं इसको और इसको साथ ले लेता हूँ तो वाई माइनस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ एक्स प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। अब यहाँ अगर ध्यान से देखो तो ये आराम से सेट हो रहा है, डी एक्स के नीचे तो हो जाएगा एक्स प्लस ए और डी वाई के नीचे हो जाएगा वाई माइनस ए वाई स्क्वायर। देखिए अब यहाँ ये तो आराम से हो रहा है, लोग एक्स प्लस ए हो जाएगा। हम जनरली इसमें क्या करते हैं, आप लोग मेरे हिसाब से आप लोग करते होंगे वन अपॉन वाई कॉमन लेते होंगे, फिर वन माइनस ए वाई करते होंगे, फिर इसको किससे करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से करते होंगे, आंशिक भिन्न से। तो ऐसे क्वेश्चन को उसको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें एक काम करना, इस पूरे में डी वाई अपॉन इसके अंदर आप वाई स्क्वायर कॉमन वाई कॉमन ले लें या वाई स्क्वायर कॉमन ले लें पूरा। तो उस केस में ये वाई स्क्वायर पूरा कॉमन लेने के बाद में अंदर क्या बचेगा आपके, ये यहाँ पर इसमें से लिया आपने तो वन अपॉन वाई माइनस ए बच रहा है। अब आप इस वन अपॉन वाई माइनस ए को टी लेट करें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी वाई इक्वल टू डी टी। तो देखिए आपके ये जो आपने कॉमन लिया था तो उसमें क्या बचा, इधर तो आपके डी एक्स अपॉन एक्स प्लस ए और इधर आपके डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर बच रहा है। तो ये इसको ये पूरा का पूरा आपके क्या बन गया, डी टी। तो ये आपके डी टी और इसको आपने टी लेट किया था तो मैं इधर ला करके वन अपॉन टी करके ज़ीरो कर दूँ। तो ये आपके इसके अब खाली इंटीग्रेशन बचा है तो ये क्या बन गया, लॉग एक्स प्लस ए प्लस लॉग टी इक्वल टू लॉग सी। तो उस केस में आपके ये क्या बन जाएगा, एक्स प्लस ए इंटू लॉग टी, यानी कि टी आपने क्या लिया था, वन अपॉन वाई माइनस ए इक्वल टू सी। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो तो आपके ये ऑप्शन में आ रहा, देखो एक्स प्लस ए ये बन रहा आपके वाई, यहाँ लघुत्तम ले लें तो एक्स प्लस ए और वन माइनस ए वाई इक्वल टू सी वाई, ये आपके इसका आंसर जो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। देखिए अगला क्वेश्चन है
dy/dx प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हल, जब एक्स इक्वल टू वन तो वाई इक्वल टू वन, इस पर क्या होगा? तो यहाँ क्लियर दिख रहा है कि ये जो आपके पूरा का पूरा क्या है, रैखिक है। तो आप पहले इसमें क्या निकालेंगे, आई एफ ई पावर पी डी एक्स यानी कि वन अपॉन एक्स डी एक्स, तो ये आपके ई पावर क्या हो जाएगा, लॉग एक्स, तो ये एक्स आ गया। अब इसका रैखिक वाले का जो सॉल्यूशन होता, मैंने क्या बता रखा है, वाई आई एफ इंटीग्रेशन क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी, ये आपको फॉर्मूला याद रखना रैखिक के लिए, हल के लिए, सॉल्यूशन के लिए। तो वाई आई एफ आपके एक्स, क्यू आपके क्या था, इसके अंदर एक्स स्क्वायर, और आई एफ आपके क्या है, एक्स, और डी एक्स प्लस सी। तो फाइनली आंसर क्या आ गया, ये एक्स क्यूब यानी कि एक्स फोर अपॉन फोर प्लस सी, और इसमें आप x की जगह अगर आप 1 और y की जगह 1 रखोगे तो इससे आपके जो c आएगा वो आप देख लो क्या आएगा, 1 माइनस 1 अपॉन 4 यानी कि 3 अपॉन 4। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करते ही आपके ये क्या बन जाएगा, 4xy इक्वल टू x4 प्लस 3, ये इसका आंसर बनेगा, चौथा वाला करेक्ट आंसर है। देखिए अगला कह रहा है कि कोस एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू डी एक्स का हल क्या होगा। चारों में से दे रखा है, सिंपल है, काम कुछ नहीं है, आप इसके अंदर पहले इसको डी वाई बाई डी एक्स निकाल लें और फिर ये क्या बन जाएगा आपके, डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो ये इधर नीचे है और ये अपॉन में चलेगा, तो ये सेक एक्स प्लस वाई। और आप अगर चाहें तो इसको एक काम करें, डी एक्स अपॉन डी वाई करें, तो ये वापस क्या बन जाएगा, कोस एक्स प्लस वाई। और अब इसमें आप एक्स प्लस वाई को विलेट कर लें, तो ये इसका वाई के रेस्पेक्ट करें तो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस वन इक्वल टू डी वी अपॉन डी वाई। तो आप इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दें, डी वी अपॉन डी वाई माइनस वन इक्वल टू कोस वी। बस अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, वन को उधर शिफ्ट कर दें आप, डी वी अपॉन डी वाई इक्वल टू वन प्लस कॉस वी, तो ये क्या बन जाएगा, डी वी डी वाई इधर, तो डी वी अपॉन वन प्लस कॉस वी इक्वल टू डी वाई। अब मैंने आपको लगभग हर लेक्चर में बता रखा है कि वन प्लस कॉस वी यानी कि टू कॉस स्क्वायर वी बाई टू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, वन अपॉन टू और सेक स्क्वायर वी बाई टू डी वी इक्वल टू डी वाई। तो ये यहाँ अब आपको इसका कर देना है इंटीग्रेशन, तो वन अपॉन टू और सेक स्क्वायर का क्या होता, टेन वी बाई टू अपॉन वन बाई टू, वी बाई टू और करना पड़ेगा, ठीक है, इक्वल टू वाई प्लस सी, ये कैंसल। तो अब आपके ये क्या बचा, टेन v बाई टू की जगह v आपने क्या लिया था, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई अपॉन टू इक्वल टू वाई प्लस सी, कहीं ना कहीं इसी रूप में आंसर आ रहा होगा। आप देख लें इसके अंदर, ये देखिए ये आ रहा आपके y इक्वल टू आंसर, y इक्वल टू टेन एक्स प्लस वाई अपॉन टू प्लस सी, ये करेक्ट आंसर। तो ये इस तरीके से आप इसको सोल्व करें। देखिए अगला क्वेश्चन है नाइन्थ वाला, अवकल समीकरण डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई है। तो आपके पास चारों ऑप्शन दे रखे हैं, मैंने क्या किया कि इसके अंदर इसके फैक्टर कर दिए, फैक्टर करने के बाद वन प्लस एक्स और वन प्लस वाई हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, डी वाई अपॉन वन प्लस वाई और इधर वन प्लस एक्स डी एक्स, देखो ये तो अपॉन में और ये ऊपर रहेगा। बस अब आप इंटीग्रेशन कर लें इसका, वन प्लस वाई प्लस, भले आप चाहो तो लोग में लिखो न भले ऐसे लिख दो, और ये हो जाएगा वन का क्या एक्स और इसका एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है। तो ये आप चाहते तो भले इधर भी कर सकते थे, अपन इधर कर लेते हैं सुविधा के लिए, ठीक रहेगा, प्लस सी, ये आपके इसके अंदर आंसर आ रहा है, देख लीजिए। थर्ड वाला लोग वन प्लस वाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर पॉइंट टू प्लस सी, ये आपके आ रहा है, भले आप सी इधर रखते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। देखिए अगला क्वेश्चन है, अवकल समीकरण 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू 1, इसमें क्या पूछा, इसने आई एफ पूछा है। तो यहाँ भी क्लियर दिख रहा है कि ये लीनियर है, और लीनियर है तो मैं इसको, दसवां क्वेश्चन है,
मैं इसको लीनियर के फॉर्म में डायरेक्ट ही जमा लेता हूँ, 1 - x² का पूरे में डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपके प्लस और माइनस एक्स अपॉन 1 - x² वाई इक्वल टू 1 अपॉन 1 - x². तो आप देखो ये पी वाई इक्वल टू क्यू बन गया, तो इससे आपके आई एफ निकलेगा ई पावर पी डी एक्स, तो ई पावर माइनस का पी और डी एक्स। अब यहाँ आप एक काम करें, 1 अपॉन 2 करके इंटू कर दें, नीचे वाले को टिलीट किया ऊपर वाला आ रहा है, तो आपके इससे ऑप्शन जो आ जाएगा ये डायरेक्ट इसको आप सोल्व कर लेना 1 - x², क्योंकि हाफ है तो ये हाफ ऊपर चला जाएगा, माइनस तो इसमें चला जाएगा, तो ये √1 - x² आ जाएगा, ये इसका आंसर है। देखिए 11th वाला क्वेश्चन है, 1 + e^(x)/y dx + e^(x)/y 1 - x/y dy। ध्यान रखें जब मैंने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बताए तो जब कभी x/y या y/x आता है तो पक्की बात उसके अंदर वो समघात ही होगा, और समघात के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि y = vx या फिर x = vy। तो आप इसके अंदर क्या करें, इसको मैं पहले इसको सेट कर लेता हूँ, तो ये क्या बनेगा आपके dy/dx = 1 + e^(x/y) / e^(x/y) (x/y-1) ये बन जाएगा। और अब इसके अंदर आप क्या करें, इसको आप सेट कर लें, कल टर्म्स को इसमें लिख दें आप x = vy, तो ये dx/dy जो है आपके वो क्या बन जाएगा v + y dv/dy। बस ये वैल्यू आप इसके अंदर पुट करें तो ये आपके क्या हो जाएगा v + y dv/dy = ये टर्म जो है, क्योंकि इसको उल्टा करना तो ऊपर चली जाएगी, तो ये ऊपर ये क्या बन गया आपके e^v और ये v-1 और नीचे 1 + e^v बन जाएगा। अब आप इस v को उधर शिफ्ट करें तो y, अच्छा समघात के अंदर मैंने बता रखा हर बार में क्या होता है, कोई ना कोई टर्म कट जाती है, ये आपको पता होगा, तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट v इधर लेकर के और एलसीएम ले रहा हूँ, तो -v और -e^v, तो ये आपके कैंसिल हो जाएगा। अब आपके ये बचा, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है, सेट कर लो खाली खाली इसमें, तो ये क्या बन जाएगा dy/y और ये माइनस बज रहा था, मैं इसको प्लस कर लेता हूँ, और अब इधर क्या बच रहा, देखो आप e^v + v / 1 + ev/dv। आप नीचे वाले को टिलीट करें तो e^v + v आ रहा है, तो आप इसको क्या लिखेंगे log y + log(1+e^v) = log c। बस ये इसको सिंप्लीफाई किया और हमारे इसके अंदर ये आंसर पहला वाला आ जाएगा, कोई ख़ास बात नहीं है, ये सिंपल सा काम है बिल्कुल। तो देखिए ये पैटर्न अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि x = vy कब लेना है और y = xv कब लेना है, vx कब लेना है, ये यहाँ क्लियर बताता है कि ये x/y आ रहा है ना, इसका मतलब अपने को x = vy लेना है ताकि v = x/y बन जाए। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 12th वाला, ये कह रहा है कि अवकल समीकरण x dx + y dy = 0 का व्यापक हल क्या है। ठीक है, तो ये आप देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, खैर इसके अंदर तो कोई विशेष बात है नहीं, यहाँ इसने जो क्वेश्चन 12th वाला कहा है ये है आपके x dy + x dx ही है, dy भी नहीं है, और y dy = 0, तो आप डायरेक्ट कर ले इंटीग्रेशन, तो ये बन जाएगा x²/2 + y²/2 = c, तो ये x²/y²/c ये आपके इसका हल हो जाएगा, तो ये तीसरा ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। 13 वाला क्वेश्चन है x dx + y dy / x²/y², देखिए यहाँ 1 नहीं है, यहाँ पर आपके 0 है, ध्यान रखना, तो इसका हल इसने पूछा है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना आप, ये x dx + y dy अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल जीरो। अगर आप कहेंगे तो इधर एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल जीरो कर दूंगा, ठीक है, तो जीरो अगर कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, तो इसमें से आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे। आपको इसके अंदर क्या करना है ये समझने के लिए मैं इसको क्या करता हूँ, देखो डी, और फिर यहाँ पर इसको मैं लिख देता हूँ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। क्योंकि अगर आप इसका अवकलन करते हैं इसका, तो वो क्या बनता आपके वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर इसका अवकलन हो जाएगा टू एक्स डी एक्स प्लस टू वाई डी वाई इक्वल टू ज़ीरो। ये आपके इसके अंदर बन रहा है। तो देख लीजिए ये टर्म आ रही है और इसलिए हम इसको ये लिख सकते हैं। अब इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके, ये बन जाएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ई पावर सी बन जाएगा इसका आंसर, जो ये सेकेंड वाला है। फिर बात करें हम इसके अंदर तीसरा वाला यानी कि 14 वाला, यहाँ पर भी इसने क्लियर कह दिया कि रैखिक अवकल समीकरण है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख लेता हूँ डी वाई बाई डी एक्स प्लस माइनस टू अपॉन एक्स वाई इक्वल टू एक्स। तो इसमें आपके आई एफ पूछा है इसने, तो वो आपके क्या बन जाएगा ई पावर पी डी एक्स। ध्यान रखना ये फॉर्मूला फिक्स दिमाग में रहना चाहिए आपको, ये तो दिमाग में हमेशा रहना ही चाहिए। तो ई पावर माइनस का और ये टू और वन अपॉन एक्स डी एक्स, तो ये ई पावर माइनस टू लॉग एक्स, यानी कि ई पावर लॉग ऑफ एक्स माइनस टू, तो ये क्या आ जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये आपके इसके अंदर आंसर हो जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर। 15 वाले क्वेश्चन में कहा है कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कोट एक्स इक्वल टू टू कोस एक्स का समाकल गुणांक, यहाँ पर भी आपको आई एफ ही निकालना है, तो मैं डायरेक्ट आई एफ का लगा लेता हूँ फॉर्मूला, और ये क्या है आपके कोट एक्स डी एक्स, तो ये क्या बन जाएगा आपके ई पावर लॉग ऑफ साइन एक्स, यानी कि साइन एक्स आ जाएगा, जो आपके इसके अंदर पहला ऑप्शन सही आंसर है। ऐसे ही 16वां क्वेश्चन है, देखिए ये 16वां क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसका अंदर भी इसने समाकल गुणांक पूछा है। मैंने इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में ये क्वेश्चन करा रखा है, और ये जो 16वां क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। मैंने उसमें करा दिया इसलिए मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ, खाली इसका मैं आंसर बता रहा हूँ। ये पहला वाला वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसका समाकल गुणांक हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, अवकल समीकरण डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर टू फोर एक्स प्लस वाई प्लस वन होल स्क्वायर है, इसका हल इसने पूछा है। तो सीधी सी बात है, आप यहाँ पर एक काम करें, इसमें 4x प्लस वाई प्लस वन को वील ऐड कर लें और डिफरेंशिएशन करें x के रेस्पेक्ट, तो 4 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, और इससे आपके ये डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा डी वी बाई डी एक्स माइनस 4। तो ये इसकी जगह तो आप बिठा दें डी वी बाई डी एक्स माइनस 4, और उधर लिख दें आप वी स्क्वायर। तो इसको अगर आप सोल्व करें तो क्या बन जाएगा, ये देखो इसको खाली सेपरेट करना है, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। तो ये आपके जो बनेगा इसको उधर भेज दें, तो ये बन जाएगा डी वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू डी एक्स। तो ये बन रहा है 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स वी अपॉन 2 इक्वल टू एक्स प्लस सी, ठीक है, बस इस 2 को उधर भेज दें आप, तो ये 2x प्लस सी डेज बन जाएगा, और ये टेन इनवर्स है, ठीक है,
तो इसको भी आप एक काम करें, इसको आप v बाई टू रहने दें और इधर इस टेन को उधर भेज दें, तो ये आपके टेन बन जाएगा। और टू को यहाँ भेज दें तो ये टू टेन टू एक्स प्लस सीरीज, और इधर v यानी कि क्या बना आपके, ये क्या बन जाएगा 4x, जो आपने सबसे पहले लेट किया था, ये इसका आपके आंसर हो जाएगा। तो देखिए जो कॉमन चीज़ें हैं, कोई विशेष बात नहीं है, आप इसको कर सकते हो। ऐसे ही ये 18वां क्वेश्चन है, तो देखो ये भी पूछा हुआ है, इसको भी आप सेपरेट करेंगे और सेपरेट करते ही आपके इसके सही आंसर आपको मिल जाएंगे। इसके अंदर ये दूसरा जो है इसका ऑप्शन है सही आंसर। फिर आप देखें अगला 19वां क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है, चलो मैं बता देता हूँ 19वां जो क्वेश्चन है ये 19वें में आपको क्या करना है कि x माइनस वाई इक्वल टू वी ले लेना है, तो ये आपके क्या बन जाएगा 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह तो आप क्या लिख देंगे 1 माइनस डी वी बाई डी एक्स इसकी जगह तो, और इधर आपके क्या बन जाएगा v माइनस टू अपॉन टू वी माइनस थ्री। बस ये माइनस जो है आप इसको सेट कर लें, बस ये आपके इसके अंदर सेट कर लिया, आप इसको इधर उधर करके सेट करके और कुछ भी नहीं करना, आपको इसको भले सॉल्यूशन निकालना इसका, भले आप कर ले, चलो 2v माइनस थ्री माइनस वी प्लस टू अपॉन टू वी माइनस थ्री इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। देखिए ये बना आपके इसके अंदर लास्ट में, यहाँ क्या बच जाएगा 2v से v गया, तो v माइनस वन अपॉन टू वी माइनस थ्री इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, और फाइनली ये बन जाएगा क्या आपके 2v माइनस थ्री अपॉन वी माइनस वन डी वी इक्वल टू डी एक्स। इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपके ये क्या बन जाएगा, ये जो बनेगा आपके देखो v मतलब 2 माइनस वन अपॉन वी माइनस वन डी वी इक्वल टू डी एक्स बना, और इसी को आगे बढ़ा दें अपन तो ये क्या बन जाएगा, बस अब तो हो गया इंटीग्रेशन का काम ख़त्म है, तो ये क्या बन जाएगा 2v माइनस log ऑफ v माइनस वन इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो भले इसमें प्लस सी आप यही डाल दें तो ये आपके क्या बन जाएगा 2v, v को आपने क्या लिया था x माइनस वाई, तो ये 2x माइनस टू वाई माइनस लोग और ये x माइनस वाई माइनस वन इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो फाइनली जो इसमें आपके ऑप्शन बनेगा वो आपके ये पहले ही बन रहा, आप इसको उधर भेज दें तो ये क्या बन जाएगा लोग x माइनस वाई माइनस वन इक्वल टू एक्स माइनस टू वाई प्लस सी डेज टाइप, ये आपके आंसर बन जाएगा इसका, जो इसमें पहला ही ऑप्शन है करेक्ट। देखिए 20वां जो क्वेश्चन है ये वाला, निम्न अवकल समीकरण का समाकल है डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर टू ई पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस वाई। यहाँ कुछ नहीं करना, खाली इनको सेपरेट करना है। तो सेपरेट कैसे करोगे, आप इसको क्या करो कि देखो एक एक स्टेप में और बढ़ा देता हूँ, इसको आप क्या लिख दो ई एक्स और ई पावर माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर और ई पावर माइनस वाई। तो आप ये e पावर y dy वाई इधर आ जाएगा और इधर बचेगा e पावर x x स्क्वायर और ये dx। तो इसका इंटीग्रेशन करो आप, तो ये ey सीधे सा हो गया और ये e पावर x का वही और ये x क्यूब अपॉन थ्री प्लस सी, ये इसका आंसर आ रहा है। तो इसमें देखो ऑप्शन में ये सेकेंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ये आपके आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है 21वां,
कि द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि डी वाई डी एक्स एक्स माइनस वाई माइनस टू अपॉन दिस। तो ये सेम क्वेश्चन अपने 19वां क्वेश्चन था, ये वही क्वेश्चन है, आप देख लो 19वां सेम जो मैंने अभी करा दिया है आपको। तो अब मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये 22वां। तो 22वें क्वेश्चन में ये कह रहा है साइन 2x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस 10x। तो मैं इसको क्या करता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स प्लस और मैं इसको 1 अपॉन 2 साइन एक्स कॉस एक्स बना करके और माइनस में और इस y को इधर ले आऊँ तो और इधर मैं 10x अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स 2। तो यहाँ इसने खाली यहाँ पूछा क्या, देखो इसने अवकल में हल पूछा है तो ये रैखिक तो बन ही रहा हमारे पास, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है भी नहीं, साइन अपॉन कोस बन रहा है। तो यहाँ पहले आई एफ निकाले देखो, तो आई एफ क्या निकलेगा, ई पावर पी डी एक्स, तो ये माइनस का 1/2 और ये बनेगा आपके साइन एक्स कोस एक्स। मैं एक काम कर रहा हूँ, ये आपको पता हो तो जब साइन एक्स और कोस एक्स एक साथ हो और उसका समाकलन करना होता है 1/2 में तो अंश और हर में अपन कोस स्क्वायर से भाग लगाते हैं। तो चलो एक बार मैं इससे लिख देता हूँ, फिर ये ई पावर माइनस हाफ, तो ऊपर तो बन जाएगा देखो आपके सेक स्क्वायर एक्स और नीचे बन जाएगा आपके 10x। मैंने ऊपर नीचे कोस स्क्वायर से डिवाइड किया है डिवाइड। तो अब यहाँ 10x को डिलीट करो तो ये सेक स्क्वायर आ रहा है, तो आपके ये जो e है वो आपके क्या आ जाएगा, ये माइनस इधर कर ही लिया अपन ने, ठीक है, तो ये माइनस का हाफ और लॉग ऑफ t यानी कि लॉग 10x, ठीक है। तो अब इसके अंदर आपके जो करेक्ट आंसर है, देखिए ये इसके अंदर माइनस आ रहा है ना, वाई इधर लिया तो माइनस तो इसके अंदर आएगा आएगा, तो ये इसके अंदर बैठेगा आपके क्या, इसको इधर भेज दो तो 1/2 में चला जाएगा यानी कि कोट हो जाएगा। तो फाइनली ये क्या बैठेगा आपके, ओनली कोट एक्स रूट में, ये इसका आई एफ आया, ध्यान रखना आई एफ। अब सॉल्यूशन की बात करें अपन तो वाई और आई एफ यानी कि रूट कोट एक्स और प्लस नी इक्वल टू क्यू जो आपके ये क्या बैठेगा, देखिए 1/2 और साइन अपॉन कोस बैठेगा तो साइन से साइन कैंसिल और ये बन जाएगा आपके सेक स्क्वायर एक्स और आई एफ जो है आपके वो क्या बन रहा था, ये रूट कोट एक्स डी एक्स। तो अब यहाँ पर इसमें जो आंसर पूछ रहा है, इसने वाई पूछा है तो आप इसके अंदर भले आप इसको 1/10 कर लो कोई दिक्कत नहीं है और फिर 10 को डिलीट कर लो तो इससे आपके सही ऑप्शन बैठ जाएगा, ये वाई इक्वल टू 10x प्लस सी रूट 10x, ये आपके इसका आंसर आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया इसने कि द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एम प्लस एन डी ए वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो इज एग्जैक्ट, यानी m प्लस एन आपको पता हो तो m प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल जीरो, तो इसको सही करो पहले तो m डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, इसके एग्जैक्ट की कंडीशन क्या बनती है आपको पता होगा, अब मैंने अभी जस्ट पीछे वाले लेक्चर में बताया है डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x, ये इसकी होती है। तो ये दूसरा ऑप्शन जो है आपके डायरेक्ट पूछ लिया है, करेक्ट है, आपको इसको अच्छी तरह से याद रखना है। तो देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है सारे, एक एक क्वेश्चन काफ़ी क्वालिटी वाला है और हर एग्ज़ाम में लगभग इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ले मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ 25वां, क्योंकि 24वां क्वेश्चन जो है मैं पीछे करा चुका हूँ, आप एक्स को डिवाइड करके और यहाँ पर लीनियर बना लो और लीनियर बनते ही सॉल्व हो जाएगा, इसके अंदर आपके दूसरा ऑप्शन सही आंसर इसका। फिर 25वां जो क्वेश्चन है उसके अंदर पूछा x प्लस वाई डी वाई इक्वल टू वाई डी एक्स, ठीक है, तो इसके अंदर आपको करना क्या है, ये है आपके 25वां, इसको आप सेट कर लें
कैसे एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू वाई डी एक्स ये लिखा है। मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, देखना आप, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू सेट करके, और ये वाई डी वाई हो जाएगा क्योंकि वाई डी वाई इधर रहेगा, ठीक है, मतलब इसको मैंने इधर सेट कर दिया है। तो अब यहाँ इसको सोल्व करें तो थोड़ा देखो तरीका अपना लगाना पड़ेगा। मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं इसके नीचे और इसके नीचे दोनों के नीचे वाई स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, और ऐसा करने से ये तो आपके क्या बन जाएगा, डी एक्स अपॉन वाई, और ये आपके वन अपॉन वाई डी वाई। तो आप देखो आराम से सोल्व हो रहा है, मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ, ये क्या बन जाएगा इसका इंटीग्रेशन, ये बन जाएगा आपके डायरेक्ट इधर तो एक्स अपॉन वाई और इक्वल टू लॉग ऑफ वाई, और आपके आंसर किस फॉर्म में मांग रहा है, ये इधर मांग रहा है, तो मैं इसको लॉग ऑफ सी कर देता हूँ। तो देखिए एक्स अपॉन वाई जो है ये ई पावर में चढ़ जाएंगे और इधर वाई सी रह जाएगा, तो आपके ये फाइनली जो वाई बनेगा वो क्या बन जाएगा, सी डेज ई पावर एक्स अपॉन वाई, ये इसका आंसर बन जाएगा। और ये आपके इसके अंदर जो ऑप्शन दे भी रखा है वाई इक्वल टू सी ई पावर एक्स, ये पहला ही ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। फिर हम बात करें, देखिए क्वेश्चन 26 जो है वो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस सिक्स अपॉन एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री है। तो इसमें आप क्या करेंगे, 26वां डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू कॉमन ले लें तो एक्स प्लस टू वाई माइनस सिक्स अपॉन एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री, मतलब ये रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस वाला है, लेकिन आपको उससे कुछ नहीं करना है, आप तो एक्स प्लस टू वाई को वी लेट कर लें तो आपके ये क्या बन जाएगा, वन प्लस टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, और ये बन जाएगा। और इधर फिर ये वैल्यू यहाँ इससे ये वैल्यू पुट करना, और यहाँ ये टू वी माइनस सिक्स बन जाएगा, है ना, और नीचे v माइनस थ्री बन जाएगा, और उसके बाद में अपना वही सेपरेशन मेथड वाला तरीका करोगे तो आपको इसमें से ऑप्शन सही मिल जाएगा। आपको ये जो दे रखा है इसके अंदर ये तो सेम यही पैटर्न आपके यहाँ पर भी है, देखिए ये और ये लगभग सेम है, देखो ये भी सेम है, तो आप इसको वी लेट कर लेना, ठीक है, तो इसको वी लेट कर दे आपके ये सही आंसर इसके अंदर आ जाएंगे। फिर 28 वाला जो क्वेश्चन है वो है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स सेक एक्स इक्वल टू जीरो का हल इसने पूछा है। देखिए ये आपको लीनियर दिख रहा है ना, तो आप क्या करें, पहले इसके अंदर आई एफ निकाल लें, ई पावर पी डी एक्स मतलब ई पावर सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, तो ये आपके आई एफ क्या बन जाएगा, ई पावर sec x, ये आ गया आपके इसका जो है वो आई एफ। अब अपन इसको सोल्व करें आगे, तो देखना ये क्या बनेगा, y आई एफ इक्वल टू q, है ना, तो q इसके अंदर आपके जीरो है तो प्लस c तो कुछ करना ही नहीं, तो y e पावर sec x इक्वल टू कॉन्स्टेंट कोई भी सी, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपके वाई, अब इसको आप उधर भेज दें, भले भले वाई को उधर सेट कर लें, या इसने वाई की वैल्यू पूछी है तो आप सीधी सीधी आप वाई निकाल लें, वाई इक्वल टू सी और ई पावर माइनस का सेक एक्स कर लें इसके अंदर, तो अब यहाँ पर ये इस फॉर्म में आंसर तो यहाँ आ नहीं रहा, तो ये अब ये इसके अंदर अपन कैसे इस तरीके से आंसर तक पहुँचेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को हमने जो लिया डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स सेक एक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ हमने ये सॉल्यूशन इसमें से ऑप्शन में दे रखे थे, और हमने क्योंकि आगे इसने ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू पैटर्न पे था, तो यहाँ पर क्यू तो जीरो था, तो मैंने इस पूरे को यहाँ पर क्या माना था,
पी। लेकिन यह हुआ क्या, वास्तव में ऑप्शन में इस तरीके का आंसर दूर दूर तक कहीं पर भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारा प्रोसेस तो बिल्कुल सही था, क्योंकि क्यू जीरो था, तो फिर मिस्टेक कहाँ हुई। ओरिजिनली ये जो क्वेश्चन था वास्तव में ये इस रूप में है, ये क्वेश्चन ठीक नहीं था। वापस करेक्ट क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स इक्वल टू सेक एक्स है, ये इसका सही क्वेश्चन है। कैसे, आप देखें, अब इससे अगर आप आई एफ निकालें तो ई पावर टेन एक्स डी एक्स, तो ये क्या आ जाएगा आपके सेक एक्स, लोग हो गया लॉग सेक एक्स का। तो अब सॉल्यूशन अगर अपन निकले लिख रहे हैं इसका, तो सॉल्यूशन क्या होगा, वाई आई एफ यानी कि सेक एक्स क्यू यानी कि सेक एक्स, और वापस यहाँ आई एफ होता है आई एफ डी एक्स, तो आई एफ को मैं यहाँ स्क्वायर कर दूँ प्लस सी, तो ये फाइनली क्या बना वाई सेक एक्स, और ये क्या बना टेन एक्स प्लस सी। अब यहाँ इसमें सब में देखो वाई की वैल्यू निकाल रखी इसने, ठीक है ना, तो वाई की निकालेगी तो अपन वाई निकाल लेते हैं, सेक को बटन भेज दें, तो सेक को बटन भेजते ये यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स और सी, और ये बन जाएगा कोस एक्स। तो फाइनल आंसर इसका ये बनेगा, यानी कि ये सी वाला इसके अंदर ऑप्शन आ रहा है, लेकिन क्योंकि इसमें क्वेश्चन में इसने मिस्टेक कर दी। तो देखो ये ग्रेजुएशन लेवल की बुक्स है, तो इस पर ये बिना देखे छाप देते हैं, ठीक है, एज इट इज़। तो हमें थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ करना है, फिर भी यूनिक ये गलत कर दिया था, पर इस बुक्स को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दें। इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो हमें सफलता की तरफ बढ़ाती है, इसलिए हमें इनको ज़रूर देखना चाहिए। तो मैं अब आगे जो क्वेश्चन देखें, देखिए अवकल समीकरण x डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई लोग वाई माइनस लोग एक्स प्लस एक, आप इसको सेपरेट कर लें या फिर हमारे तीन चार मेथड है उन्हीं से करेंगे। तो मैं अभी ये आगे जिसने अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं बहुत सारे, देखो 30, 31, 32, 33, 34, ये जो इसने क्वेश्चन दे रखे हैं, ये क्वेश्चन सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, आपको सोल्व करने चाहिए। अब ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, और ये जो कुल 34 क्वेश्चन है, ठीक है, आप कोशिश कर रहे हैं कि इसमें किसका क्या आंसर बैठता है, ठीक है, इससे आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला प्रैक्टिस सेशन था, ताकि आपको पता चले कि आपने लीनियर रिड्यूसिबल टू लीनियर, होमोजीनियस रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, और एग्जैक्ट और डायरेक्ट इंस्पेक्शन द्वारा समकल गुणांक निकालने का तरीका, ये सब आपने पीछे वाले जो लेक्चर था उसमें ठीक से पढ़े या नहीं पढ़े वो आपको इससे पता चलेगा। तो आपको इसको ज़रूर अच्छे तरीके से देखना चाहिए, ताकि आपको ये सारे क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। ये हमारा इसके अंदर एक प्रथम क्वार्टर प्रथम घात के अवकल समीकरण का टॉपिक पूरा हो गया है। अब मैं इसमें नेक्स्ट जो मैं अगला टॉपिक लूँगा। और हाँ, एक बात और, आप मुझे ये ज़रूर बताएं कि ये जो प्रैक्टिस सेशन है मल्टीपल चॉइस वाला, ये आपको कैसा लगा, आप मुझे ज़रूर बताएं। क्या वास्तव में इससे आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं, ये भी मुझे बताएं, ताकि मैं इसके अंदर और भी इम्प्रूव करूं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके।